हमीरपुर जिला के धनेड़ गांव के बाशिंदों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने की समस्या को लेकर उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनी को ज्ञापन सौंप कर मामले में कार्यवाही करने की मांग की है। जिला परिषद 22 चेयरमैन नरेश कुमार दर्जी की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर सारी वस्तुस्थिति से अवगत करवाया है। हालांकि ग्रामवासी इससे पहले भी फरवरी माह में जगड़ियाणी में हुए जनमंच कार्यक्रम के दौरान भी अपनी शिकायत रख चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या यथावत बनी हुई है। जिला परिषद के 22 चेयरमैन नरेश कुमार ने बताया कि शरारती तत्वों के द्वारा सरकारी रास्ता पर कब्जा किया हुआ है और राजनीतिक शेयर के चलते रास्ता पर कब्जा किया हुआ है, जिसके लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि आज दिन तक राजनीतिक दबाव के चलते न तो निशानदेही हो सकी है और न ही कोई कार्यवाही हो पाई है। उन्होंने बताया कि दो बार जनमंच के माध्यम से भी समस्या को रखा गया, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। उन्होंने डीसी से गुहार लगाई है कि कानून रास्ते को खुलवाया जाए ताकि समस्या का हल हो सके। डीसी मैडम से इसलिए मिले, धनेड़ में बरसों पुराना रोड है और सरकारी रास्ता है, कागजों में लगा हुआ है, कुछ शरारती तत्व जो हैं उसको रोक रहे हैं और ये कई समय से ये बातचीत चलती रही है, इसमें राजनीति हो रही है और इस राजनीति के दौर में जो गांववासी हैं वो पिछड़े हैं और कुछ एक लोग जो हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, परंतु ये लोग भी सरकार के ही हैं, परंतु वो अपने आप को ज़्यादा आगे लाने के लिए उस रास्ते को रोक रहे हैं। और ये रास्ता 20 दिन पहले भी बंद था, तो मैं जिला परिषद मेंबर होने के नाते, उपाध्यक्ष होने के नाते उस रोड को जाके बातचीत करके खुलवाया था और उस बीच हमने पटवारी और कानूनों को कहा था कि निशानदेही कराएंगे, परंतु राजनीतिक दबाव में ना वो निशानदेही हुई ना वो मौके पे आए और इस रोड को रोके हुए कम से कम आज 7-8 दिन हो गए और इन्होंने पुलिस में इस बारे में रिपोर्ट की, पुलिस में इस बारे में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनमंच में भी और इस बारे में पहले दो बार जनमंच में रिपोर्ट दी हुई थी, परंतु जनमंच में भी जो आला अधिकारी थे उन्होंने इसके बारे में टाल मटोल करके जो है इनको वापस कर दिया, परंतु हमारा अभी डीसी मैडम से ही आग्रह किया कि जो भी सरकारी रास्ता है उसको कानून के अनुसार खुलवाया जाए और आइंदा के लिए जो उसको बंद ना किया जाए और उसके ऊपर अगर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है या अगर FIR बनती है या कोई ऐसी कोई इस बीच में कोई भी बनता है लंदरा बनता है तो मौके पे SDM साहब, पुलिस और जो डिपार्टमेंट है निशानदेही पटवारी या कानून को जाए और तुरंत वो कार्रवाई करवाएँ और आज ही इस रास्ते को खुलवाया जाए और दोबारा उसी तरीके से ये दोबारा कार्रवाई की जाए कि ये दोबारा रास्ता जो बंद ना हो और जिससे जो ये पूरे गांववासी जो परेशान ना हो। वहीं महिला मंडल प्रधान धनेड़ ने बताया कि रास्ते को बंद किया गया है जिससे गांव वालों की गाड़ियां भी घरों में कैद हो गई हैं। उन्होंने बताया कि रास्ते पर कब्जा किया हुआ है और रास्ते को ना खोलने से 100 घरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को खुलवाया जाए। महिला मंडल प्रधान होंगी धनेड़ की और रास्ता सरकारी है, बुजुर्गी रास्ता है, रोका है वहाँ पर देख लो आज वो बांस फेंके हुए हैं, पत्थर फेंके हुए हैं, कोई गाड़ी वाला जा सकता, जो अंदर गाड़ी वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर है। गांव वालों ने गाड़ी डाली हैं तो उसी रास्ते में आती जाती है, जो अंदर गाड़ी है वो अंदर ही है, बाहर आप बताओ अब क्या हो सकता है। और डीसी के आगे और कौन है भाई फैसला करने वाला, सरकारी रास्ता है। अगर हम ऐसे मांगे ना किसी से खेत को उजाड़ रहे तो भाई ठीक है रोक सकते हैं, सरकारी रास्ते को भी रोक सकते हैं तो कहाँ जाएं, कम से कम 100 घर है उससे आगे।